मैं हूँ सोनी कुशवाहा, सोनी जय चैनल आपका स्वागत करती हूँ। आप सब बताओ, आप सब कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं इतने दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ और मैं बनाने जा रही हूँ स्पेशल केक, जो मैं पहले वाले से दूसरे तरीके से बनाऊँगी और वो भी बिस्किट का ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा बिस्किट का केक जो मैं बनाने जा रही हूँ। ये मैंने मिक्सर में अच्छी तरह से पीस के एकदम पाउडर बना लिया है एकदम अच्छे से। और ये है हमारा ड्राई फ्रूट, ये पिस्ता है, ये बादाम और ये काजू, जो अब इसको हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। ये मैंने गैस पे कढ़ाई रख दिया है, इसमें मैंने देसी घी डाला है। अब इसमें डालेंगे ये सारे ड्राई फ्रूट, इसको हल्के से रोस्ट कर लेंगे। ये हमारा ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो चुका है, अब इसे हम निकाल देंगे। और ये जो देसी घी बचा है इसको हम ये पीसी हुई बिस्किट के पाउडर में हम डाल देंगे, इसको हम केक बनाने जा रहे हैं। अब इसको हम कट कर लेंगे। ये हमारा ड्राई फ्रूट्स कट चुका है, अब ये ड्राई फ्रूट को हम इसमें डाल देंगे मिक्सर में, सॉरी बिस्किट के पाउडर में। मैंने एक गिलास दूध लिया है और इस दूध को हम थोड़ा थोड़ा करके इस मिक्सर में डालेंगे सारे। अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डालेंगे और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। और इसी गिलास से मैंने आधा से भी आधा मैंने पानी ले लिया, पानी को हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे। मैंने जितना गिलास में पानी लिया था मैंने सारे पानी इसमें डाल दिए और ये हमारा अच्छे से हो भी चुका है। थोड़ा सा और इसे हम फेंटेंगे। हम इसे चीनी बिल्कुल नहीं डाले हैं क्योंकि बिस्किट ऑलरेडी मीठा था, इसीलिए मैंने चीनी थोड़ा भी नहीं डाला है। ये मेरा अच्छे से हो चुका है केक बनाने के लिए। ये वाला मैंने बर्तन लिया है, इसमें हम किनारे किनारे ऑयल लगा देंगे। ये मैंने इनो का पैकेट लिया है, अब इसे हम इसमें इनो डालेंगे ताकि ये हमारा स्पंजी और अच्छे से फूले, बढ़िया से बन जाए। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे कि किस कैसे झाग दे रहा है, अब इसे हम डालेंगे। ये हमारा केक बनने के लिए रेडी हो गया है, अब इसे हम इसको हम इसमें डाल देंगे। मैंने गैस पर कढ़ाई रख दिया था और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया और पानी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसको हम कढ़ाई में रख देंगे ऐसे और ऊपर से हम इसको ऐसे ढक देंगे। और ये छोटा सा हॉल है, इसे भी हम बंद कर देंगे। इसे भी मैंने बंद कर दिया और कम से कम इसे हम 15 मिनट तक इसे हल्के आँच पे, हल्के गैस पे हम इसको ऐसे ही पकाएंगे। ये हमारा केक बनके रेडी हो गया है, ये देखिए, ये देखिए नहीं चिपका, अच्छे से हो चुका है, एकदम अच्छे से हो चुका है हमारा केक। ये हमारा केक बनके तैयार हो चुका है, अब इसे हम दूसरे प्लेट में पलट देंगे। ये देखिए हमारा केक बनके रेडी हो चुका है और इसमें थोड़ा थोड़ा दरार पड़ चुका है क्योंकि मैंने ड्राई थोड़ा बड़े बड़े काट के डाल दिए थे। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मैं अपनी वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ और आपसे विदा लेती हूँ। नमस्ते, बाय, और आप अपना ख्याल रखना। इसे आप अपने तरीके से डेकोरेट भी कर सकते हैं। बाय दोस्तों। और इसे हम फ्रिज में रख के ठंडा करके कट करके खा सकते हैं, ठीक है? तो अगर मुझसे कोई भूल या गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और प्लीज़ गाइस, मेरी वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा प्लीज़। बाय। ये रहा हमारा फाइनल केक, स्पंजी ड्राई फ्रूट वाला, क्लियर नहीं आ रहा है।